ही मार्क्स पे आप बहाली करवाने के लिए आगे आइए, हम आपका साथ देंगे सबसे पहले। और हमारे साथ ही जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे मेरिट में, वो सब आपका साथ देंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर ये चैलेंज स्वीकार है, आप भी हमारे मुहिम में आइए कि हम लोग एसटीईटी के मार्क्स पे बहाली शुरू करवाते हैं। आप अच्छे रैंक से अगर पास किए थे 12 मार्च को, तो सीधी सी बात आपकी पहले हो जाएगा, लेकिन एकेडमिक मार्क्स पे तो बहाली की आप बात मत कीजिए। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज। अभी मेरे साथ मौजूद है एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थी दीपक कुमार। दीपक, आप लोग लगातार 6 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो आपके दूसरे तरफ के जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं कि 12 जून का जो रिजल्ट है उसके आधार पर बहाली होना चाहिए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं हमारे जो दूसरे पक्ष, तो मैं उनको नहीं मानता हूँ, वो हमारे ही पक्ष के हैं। शिक्षा विभाग ने उनको एक दूसरा पक्ष बना दिया है, क्योंकि वो भी हमारे साथ एग्जाम में बैठे थे। उनका रिजल्ट चूंकि हमसे कम है, तो वो खुद भी अपने को दूसरा पक्ष मानते हैं, और शिक्षा विभाग ने चूंकि उनको नॉन मेरिट घोषित किया हुआ है, बाद में उन्होंने करेक्शन करके मेरिट नॉन मेरिट बराबर किया। चलिए, हम लोग इसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन दीपक जी, हम रोकना चाहेंगे, आप लोग नॉन मेरिट करते हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया था उसमें तो क्वालिफाइड लिख के आया था। कोर्ट की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं आया है, सर्टिफिकेट हमारे दूसरे पक्ष को भी मिला है, हमको भी मिला है, तो हमारे रिजल्ट पे हमें रैंक दिया गया, उनके रिजल्ट पे नॉट इन मेरिट लिखा हुआ है। खैर, हम उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपने जो दूसरा पक्ष कहा उसमें एक स्वघोषित लीडर है, नाम भी मैं बताना चाहूंगा, सुशील, उनको मैं कहना चाहता हूँ एकदम विनम्रता पूर्वक, वो बार बार नॉट मेरिट में जो भी साथी है उनको कहते हैं और हम लोगों को भी कहते हैं कि ये लोग बैकडोर से आए हैं, मतलब मेरिट वाले जो लोग हैं वो बैकडोर से आए हैं। 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था वही ओरिजिनल रिजल्ट है, क्योंकि मंत्री जी भी बोले थे कि 24,599 लोग क्वालिफाई हुए हैं, और चूंकि यह सीट से कम रिजल्ट है, तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि चलिए 21 जून को जो भी रिजल्ट हुआ, चलिए कुछ समय के लिए, हालांकि आप कर तो नहीं सकते हैं ना हम कर सकते हैं, हम 21 जून के रिजल्ट को हटा देते हैं, और आप 12 जून के रिजल्ट जो भी क्वालिफाई हुए थे और जो डिसक्वालीफाई हुए थे, 12 मार्च को क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई हुआ था, तो 12 जून के रिजल्ट के आधार पे ही एसटीईटी के ही मार्क्स पे आप बहाली करवाने के लिए आगे आइए, हम आपका साथ देंगे सबसे पहले। और हमारे साथ ही जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे मेरिट में, वो सब आपका साथ देंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आप 12 मार्च के रिजल्ट के आधार पे क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई, जितने भी लोग क्वालिफाई हुए थे, संख्या जो भी हो, अगर मैं उसमें नहीं था, मतलब ये जो लोग बैठे थे 12 मार्च को नहीं थे, वो स्वतः बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया होगा। अगर आया होगा तो स्टेट के मार्क्स पे उनकी बहाली सुनिश्चित करवाइए। आप भी अगर रिजल्ट में होंगे, आपका भी होगा, हम होंगे तो हमारा होगा, 12 मार्च को हम नहीं होंगे तो नहीं होगा। अगर ये चैलेंज स्वीकार है तो आप आइए, और 12 मार्च के रिजल्ट के आधार पे आपको भी स्कोर कार्ड मिला है ना, 12 मार्च का आपको भी मार्क्स मिला है, हमको भी 12 मार्च को मिला होगा, आपको लगता है कि नहीं मिला है, तो आप मार्क्स अपना अपना दीजिए, और बाहरी खुलवाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग पिछले 6 दिनों से कर रहे हैं, आप भी हमारे मुहिम में आइए कि हम लोग एसटीईटी के मार्क्स पे बहाली शुरू करवाते हैं। आप अच्छे रैंक से अगर पास किए थे 12 मार्च को, तो सीधी सी बात आपकी पहले हो जाएगा, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप मुहिम छेड़िए, हम आपका साथ देंगे, हमारे सभी साथी साथ देंगे, एसटीईटी के मार्क्स पाइए, लेकिन एकेडमिक मार्क्स पे तो बहाली की आप बात मत कीजिए। क्योंकि अभी मैं आपको न्यूज़पेपर के कटिंग में आपको दिखा सकता हूँ, दैनिक भास्कर में छपा था कि 22 अभ्यर्थियों का आरा जिला का एक कटिंग था, 22 अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया, छठे चरण की बात है। ये सर्टिफिकेट किसका फर्जी पाया गया? ये सर्टिफिकेट एकेडमिक मार्क्स का पाया गया, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड, ये फर्जी पाया गया है। सीटेट, बीटेट और एसटेट, इसमें एसटेट नहीं था, ये फर्जी नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि तुरंत मोबाइल से स्कैन हो जाता है, बीटेट, सीटेट या एसटेट, कोई भी पता कर सकता है, लेकिन आप मैट्रिक का अपना सर्टिफिकेट देते हैं, उसको पता करने में सरकार के नाको चने चप जाता है, तब भी पता नहीं चलता है, महीनों लग जाते हैं, 6 साल से सर्टिफिकेट जांच हो रही है, फोल्डर लाखों की संख्या में गायब है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सरकार के लिए भी आसान होगा कि एकेडमिक प्रोसेस बंद कीजिए, जो प्रतियोगिता परीक्षा है, एसटेट है, चाहे बीटेट है या सीटेट है, उसको आप अधिक से अधिक शामिल कीजिए मेरिट में, ताकि योग्यता जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा से हो, एकेडमिक से ना हो। बस थैंक यू, मुझे लगता है कि सुशील को और उसके उनके जैसे जो लोग भी ये तथाकथित लीडर हैं, सुशील है चाहे कुंदन है, उनको सोचना चाहिए कि चलिए 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था वह सही है, हम भी इस पे सहमत हैं कि 12 मार्च के रिजल्ट पे ही एसटेट के मार्क्स पे मेरिट बने और 7वां चरण जल्दी से जल्दी खुले। और आप ये भी कर
कहते हैं कि आप सिर्फ 30,675 की बात करते हैं। चलिए हम 30,675 की भी बात नहीं करते हैं, हम 80,440 की बात करते हैं, सभी जो क्वालिफाई हुए हैं। आप सीट बढ़ाने के लिए आइए, हम भी सीट बढ़वाएंगे। और हम आप सीट क्या बढ़वाएंगे, सरकार स्वयं बोलती है कि हमारे पास छठे चरण में सीट पर्याप्त 25,000 बचेंगे, सातवें चरण का ऑलरेडी 37,000 है, यानी कि 60-70,000 से ज्यादा सीट सरकार के पास है। तो जो सीट है उस पर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट बनवा लेंगे, आपका भी हो जाएगा। जब 80,000 सीट हो जाएगा तो आप भी हो जाएंगे ना। आप आइए, बहाली खुलवाइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ और हम लोग स्टेट मार्क्स पे लिस्ट बनवाने का प्रावधान करें। थैंक यू। बिल्कुल देख सकते हैं।